हेलो फ्रेंड, दिस इज गणेश फ्रॉम आयुष्मान डिजिटेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर कंप्यूटर ट्यूटोरियल चैनल। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हार्डवेयर क्या है, कितने एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के, और अपग्रेड हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर में दो मेन पार्ट होता है, एक है हमारे सॉफ्टवेयर, दूसरा है हमारे हार्डवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम लोग एक कंप्लीट कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कंप्यूटर में अगर ये किसी का भी एक का एब्सेंट हो, हार्डवेयर ना हो या फिर सॉफ्टवेयर ना हो, तो ये कंप्लीट कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। क्योंकि यही जो बेसिक डिफरेंस है हमारे कंप्यूटर और टीवी में, क्योंकि टीवी में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है। बेसिकली यहाँ पे सॉफ्टवेयर का जो रोल है वो क्या करता है ना, हमारे जो कंप्यूटर में हार्डवेयर जो पार्ट है उसको एक्सेस देने में यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये बोर्ड जो है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है और इसको हमको एक्सेस करना है, तो थ्रू पेन के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। मतलब कि ये पेन हमको एक प्लेटफॉर्म देता है इस पर्टिकुलर जो बोर्ड है उसको एक्सेस करने के लिए। तो ये जो पेन का जो रोल है यहाँ पे, सेम यहाँ पे जो हार्डवेयर से रिलेट करिए कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर पेरिफेरल है या फिर हार्डवेयर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो यही हमारा एक प्लेटफॉर्म देता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम फिर या फिर कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, ये इसका बेसिक रोल होता है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग का फोकस है हार्डवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर ऐसे पार्ट जिस पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो ख़राब होने से उसको हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ये हमारे माउस हैं, ठीक है, तो ये इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये एक इसका एक आकार है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस जो हैं हमारे कंप्यूटर में, तो ये सारे डिवाइसेस क्या हैं, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। जैसे इसके क्या है एक बार लिस्ट देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के रैम है, रोम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है या फिर हार्ड ड्राइव है, एसएमपीएस है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, फिर मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं ये सारे हमारे हार्डवेयर से बिलोंग करते हैं। मतलब ये सारे कंपोनेंट जो है ये हमारे हार्डवेयर के अंडर पे आता है। ठीक है, तो एक एक करके इसके जो बेसिक फंक्शन है उसको हम लोग थोड़े जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले जो है हमारे रैम है। रैम क्या है ना, एक रैम है रेंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी से मतलब अंडर आता है ये। मतलब कंप्यूटर में जो है ना दो टाइप का मेमोरी होता है, एक है हमारे प्राइमरी मेमोरी, एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है ना, किसी भी एप्लीकेशन को जब हम लोग ओपन करते हैं, जैसे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या फिर कुछ भी हम लोग गाना मूवी देख रहे होते हैं, तो उस टाइम जहाँ से वो प्ले हो रहा होता है तो वो रैम को एक्सेस कर रहा होता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर रहा होता है। जहाँ पे किसी भी डेटा को मतलब उसको क्या है ना, उसको रेंडमली एक्सेस किया जाता हो, लेकिन उसमें क्या है ना, किसी भी तरह डेटा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, ऐसे मेमोरी जिसका एग्जाम्पल है एक रैम और दूसरा है हमारे रोम। रोम एक ऐसे मेमोरी है कि रोम जिससे उसके जो कॉन्टेंट है रोम के अंदर, उसके कॉन्टेंट को सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग रीराइट नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह का। जो इसमें बायोस, बेसिकली कंप्यूटर में जो बायोस सेटिंग है वो इसको कंटेन करके रखता है। ठीक है, तो रोम क्या है ना, रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग रीराइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रैम है उसको हम लोग रैंडमली एक्सेस करने में ये यूज होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जहाँ हम लोग अपना कुछ भी डेटा हो, कुछ वीडियो हो, कुछ फोटो हो, कुछ सॉन्ग हो, कुछ मूवी हो, ये सारे जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं, तो ऐसे मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी या फिर हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे एसएमपीएस। कंप्यूटर में जो सीपीयू बॉक्स होता है वहाँ पे हम लोग एक पावर प्लग लगाते हैं, मेन पावर प्लग बोला जाता है उसको, वो हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो वो पावर पहले कहाँ आता है, हमारे एसएमपीएस में आता है। एसएमपीएस से क्या होता है ना, सारे जो कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड जो जो कंपोनेंट होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी अगर हम लोग चलाते हैं वहाँ पे, सीडी हो गया, मदरबोर्ड हो गया, तो सारे को क्या करता है ना, पावर सप्लाई करता है। मतलब एसएमपीएस जो है ये पावर सप्लाई करने में हेल्प आता है। एसएमपीएस यानी सिंपल मोड पावर सप्लाई बॉक्स है ये। ठीक है, इसका मेन रोल होता है कंप्यूटर के जो इंटरकनेक्टेड जो भी कंपोनेंट है उसको पावर सप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे मॉनिटर।
मॉनिटर कंप्यूटर का क्या रोल होता है? जैसे कुछ भी टेक्स है, कुछ भी इमेज है, कुछ भी फोटो है या फिर कुछ भी वीडियो है, उसको डिस्प्ले करने में ये हेल्प करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सीआरटी मॉनिटर है, एलईडी मॉनिटर है, एलसीडी मॉनिटर है, प्लाज्मा मॉनिटर है, फिर टीएफटी मॉनिटर है। ये सारे के सारे क्या हैं? मॉनिटर के एग्जांपल हैं और ये सारे हमारे हार्डवेयर से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे माउस, माउस के कई सारा टाइप होता है। ये बेसिकली हमारी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें पॉइंटर को मूवमेंट करने के लिए, किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए, किसी फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए, किसी फाइल को ऊपर होवरिंग करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर कर्सर को मूवमेंट करना, ये इसका बेसिक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे कीबोर्ड, कीबोर्ड का भी बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन इसका जो मेन रोल है कंप्यूटर में किसी भी तरह का डेटा को इंटर करने में ये हेल्प करता है, चाहे वो टेक्स्ट डेटा हो, चाहे वो कुछ अल्फ़ाबेट हो या फिर नंबर हो, तो कंप्यूटर में ये इंटर करने में, लिखने में ये हेल्प करता है, ठीक है, कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारी मदरबोर्ड, मदरबोर्ड एक ऐसे बोर्ड है जहाँ पे, मदरबोर्ड को मतलब कंप्यूटर का एक चेसिस भी बोला जाता है। मदरबोर्ड क्या है ना, ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। मतलब इसको प्रिंटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, जैसे जो भी स्लॉट है या फिर जो भी पोर्ट है या फिर किसी भी तरह का एक्सपेंशन कार्ड या फिर ट्रांजिस्टर, ये सारे को प्रिंटेड किया जाता है। मतलब एक एक करके लगाया नहीं गया है उसको, मतलब उसको आप रिपेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसको मैन्युफैक्चरर एक साथ में प्रिंटेड कर दिया गया है, मतलब बहुत ही लिमिटेड एरिया में बहुत सारे कंपोनेंट को वहाँ पे रखा गया है, इसलिए उसको प्रिंट किया जाता है, इसलिए उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के भी नाम पे जाना जाता है। ये मदरबोर्ड में जितने मतलब ऑलमोस्ट सभी तरह के जो कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर में, वो सारे के सारे हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड में उसको हेल्प करता है पावर सप्लाई करने में, मदरबोर्ड उसको हेल्प करता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में, उसको हेल्प करता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है। ये मदरबोर्ड का बेसिकली रोल है, ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर का सबसे बड़ा मदरबोर्ड को मतलब एक सर्किट भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो है बहुत सारे कंपोनेंट है, जो मदरबोर्ड है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होता है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, कुछ में स्लॉट लिखा है, कुछ में स्लॉट है लिखना, सॉरी, इसमें किसी ने स्लॉट लिखा है, किसी में पोर्ट लिखा है, ठीक है। तो ये स्लॉट और पोर्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो स्लॉट है हमारा, ठीक है, वो कंप्यूटर के जो सॉरी वो मदरबोर्ड के अंदर होता है, मतलब मदरबोर्ड में डायरेक्ट होता है, वो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड मतलब प्लेस जो है मदरबोर्ड का, वो सीपीयू के सीपीयू बॉक्स जो है उसके अंदर होता है। जो स्लॉट होता है हमारा वो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में डायरेक्ट लगे हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पोर्ट होता है वो हमारे सीपीयू के बाहर साइड होता है, जैसे कि ये हमारे जो माउस है, ये हमारे यूएसबी माउस है, ठीक है। तो ये जो कनेक्टर है हमारा, ये कनेक्टर, इसको जहाँ हम लोग जोड़ेंगे, तो इसको इस पर्टिकुलर जो पॉइंट जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर को जहाँ हम लोग जोड़ेंगे कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोर्ट, ठीक है। इस तरह से जैसे हम लोग माउस जोड़ते हैं या फिर हम लोग मॉनिटर को जोड़ते हैं, तो वो सारे हमारे पोर्ट हो गए, या फिर इनपुट, जैसे कि साउंड को हमको इनपुट लेना है किसी स्पीकर के थ्रू, तो हम जहाँ पे वो इस पर्टिकुलर हेडफोन जोड़ते हैं या फिर स्पीकर के जो केबल है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये से बाहर साइड के जितने सारे कनेक्टर हैं उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्ट बोलेंगे। लेकिन मदरबोर्ड के अंदर जो है उसमें जहाँ पे हम लोग जैसे रैम लगाते हैं, जैसे जहाँ पे सीपीयू को मतलब लगाया जाता है, तो ऐसे जहाँ पे हम लोग एनआईसी कार्ड लगाते हैं, तो ये सारे क्या हैं, हमारे स्लॉट हैं, ये सारे स्लॉट हैं जहाँ पे हम लोग लगाते हैं, वो इंटरनली होता है, ठीक है। लेकिन जो पोर्ट है वो बाहर साइड में दिखता है, ठीक है। तो सीपीयू स्लॉट है जहाँ पे हम लोग सीपीयू को मतलब लगाने के लिए वो पर्टिकुलर एक जगह होता है या फिर स्लॉट होता है जहाँ पे हम लोग सीपीयू को इंसर्ट करते हैं। सीपीयू एक कंप्यूटर का जितने भी तरह का फंक्शन है उसको एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी रॉम, ये एक हमारे प्राइमरी मेमोरी के अंडर आता है, जिसने का मतलब किसी भी तरह का डेटा को स्टोर करने का कैपेसिटी नहीं है, ये सिर्फ किसी भी डेटा को एक्सेस करने में इसका यूज है, ठीक है। जो सीपीयू रैम स्लॉट में हम लोग रैम को इंसर्ट करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट क्या है ना, कुछ एक्स्ट्रा स्लॉट होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे जहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स कार्ड या फिर एनआईसी कार्ड ऐसे या फिर रैम का जो स्लॉट है उसका किसी भी उस स्लॉट अगर ख़राब हो जाए तो दूसरे स्लॉट में हम लोग लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट क्या है,
यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसको यूनिवर्सल सीरियल बस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कुछ एडवांटेज है, जैसे कि ये मतलब मल्टीपल जो पेरिफेरल डिवाइसेस है उसको एक्सेस देने में हेल्प करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये हमारे माउस है, ठीक है, ये माउस पॉइंटर है, ये एक यूएसबी पॉइंटर है, इसको हम लोग कनेक्ट किए तो ये माउस फंक्शन करने लगेगा। इसको निकाल के फिर हम लोग अगर दूसरे उस वहाँ पर अगर सॉरी जो कीबोर्ड कनेक्ट किए तो कीबोर्ड भी हमारा जो है कि फंक्शन करने लगेगा। फिर उसको निकाल के अगर हम लोग मोबाइल भी कनेक्ट करते हैं, मोबाइल का जो यूएसबी है उसको भी कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ, तो मोबाइल भी कनेक्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ ना, ये एक ऐसे पोर्ट हैं जो अलग अलग जो डिवाइसेस हैं उसको एक्सेस देने में हेल्प करता है। मतलब पहले क्या होता था, जो जो यूएसबी पोर्ट नहीं होता था तो उसमें किसी भी आप दूसरे टाइप का अगर हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ जोड़ना पड़ता था तो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसको रीबूट करना पड़ता था। तो यूएसबी पोर्ट ऐसे है कि वो बिना रीबूट किए हुए वो किसी भी हार्डवेयर को यूएसबी टाइप के जो भी पोर्ट है वो इसको एक्सेस देने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। नेक्स्ट हमारे पीसीआई, पीसीआई क्या है, ये है हमारे पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टर। मतलब जैसे कि हम लोग जहाँ पे वीडीए सॉरी जहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं या फिर एनआईसी कार्ड लगाते हैं या फिर ग्राफिक्स सॉरी वीडियो कार्ड लगाते हैं, तो ऐसे स्लॉट जहाँ पे हम लोग लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीआई स्लॉट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे वीजीए, जिसको हम लोग बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। ये क्या करता है, इसे मॉनिटर हो गया या फिर प्रोजेक्टर हो गया, इसको हम लोग जहाँ पे कनेक्ट करते हैं जिस पर्टिकुलर पोर्ट से, तो ये पोर्ट है हमारे वीजीए पोर्ट। इसका एक वीजीए केबल भी आता है जिस केबल को हम लोग वीजीए केबल नाम के जानते हैं, उसका पोर्ट कुछ दूसरे टाइप का होता है। वहाँ पे जहाँ वहाँ पे पर्टिकुलर वीजीए पोर्ट जो है वहीं पे उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, यूएसबी पे नहीं, ठीक है। तो ये है हमारे वीजीए पोर्ट। नेक्स्ट है हमारे हीट सिंक। हीट सिंक क्या करता है, बेसिकली ये जो सीपीयू है हमारे, ये बहुत सारे ऑपरेशन को मतलब एग्जीक्यूशन करता है तो बहुत हीट जनरेट करता है, तो उस हीट को कंज्यूम करने के लिए जो यूज़ किया जाता है हीट सिंक का, मतलब सीपीयू को कूलिंग रखने का काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पावर कनेक्टर। मदरबोर्ड में एक पावर कनेक्टर होता है जो डायरेक्ट पावर जो एसएमपीएस से जा जो एसएमपीएस में जाता है, फिर एसएमपीएस से एक पावर केबल है हमारे मदरबोर्ड में, क्योंकि मदरबोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट छोटे छोटे आईसी लगे हुए रहते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेंशन स्लॉट है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, रैम है, तो ये सारे को क्या करता है ना, वो पावर सप्लाई करता है। तो जब ये पावर कनेक्टर वो एसएमपीएस से पावर लेता है, फिर जब उसमें जब ये मदरबोर्ड को पावर जाता है तो फिर वो सारे उससे कनेक्ट किए जितने सारे डिवाइसेस हैं वो सारे को पावर सप्लाई देने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सीमोस बैटरी, जिसको हम लोग जानेंगे कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये एक तरह का बैटरी है, ये फिर मेमोरी का जैसा मतलब एक मेमोरी भी है, ठीक है। ये क्या करता है ना, सिस्टम का जो डेट और टाइम जो है इसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। मतलब सिस्टम का जो डेट टाइम है वो ये स्टोर करके रखता है, जैसे कभी भी हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो डेट और उसका टाइम जो है वो मेंटेन किया हुआ रहता है। तो ये सीमोस बैटरी हमारे मदरबोर्ड में है इसीलिए पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सिस्टम का जो डेट और टाइम है वो इस मतलब पर्टिकुलर जो बैटरी है वो इसको मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे अपग्रेड हार्डवेयर। अपग्रेड हार्डवेयर क्या होता है, जैसे जिस तरह से हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो वीकली बेसिस या फिर मंथली बेसिस से उसको अपडेट करना पड़ता है, मतलब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कुछ नया जो फीचर है उसको ऐड किया जाता है, तो उसको एक्सेस के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर को अपडेट देना पड़ता है। उसी तरह हमारे कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसको जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है, मतलब अगले साल जो था या फिर जो अभी चल रहा है मार्केट से उसके कुछ उससे कुछ इम्प्रूव किया जाता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्डवेयर अपग्रेड, ठीक है। जैसे रैम के ऊपर होता है ये फिर सीपीयू के ऊपर ये होता है, प्रोसेसर जो है हमारा उसके ऊपर भी होता है। पहले जैसे हमारे सिंगल कोर प्रोसेसर था, अभी हमारे बहुत सारे मल्टी कोर प्रोसेसर आ गए, मतलब क्या होना जो पर्टिकुलर हार्डवेयर का एक अपग्रेडेशन आया, मतलब उसका अपडेट किया गया, कुछ नया फ्यूचर जो है उसमें ऐड किया गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर अपग्रेडेशन या फिर हार्डवेयर अपडेट, ठीक है। तो आई होप कि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हार्डवेयर का और इसके कंपोनेंट का, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।